हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम बनाएंगे रागी की सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां। तो रागी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह भरपूर मात्रा में इसमें आयरन और विटामिन्स होते हैं। कोई भी उम्र के इंसान इसको अच्छे से पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है, तो किसी भी रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने रागी के दाने लिए हैं, रागी के बीज। तो इसको हम ब्लेंडर में पीस लेंगे। तो इसको अच्छे से बारीक पीसने के बाद हम इसको छलनी से इसके आटे को छान लेंगे। देखिए, आटे को एकदम बारीक आटा हमको ले लेना है, और ऊपर का है वो वापस ग्राइंड करके आप यूज कर सकते हैं। तो इसे छानने के बाद एक कढ़ाई में आधा कप एक कप पानी लेंगे। उसको गर्म करने के बाद उसमें एक चम्मच घी और एक चम्मच नमक डालेंगे। ये गर्म होने के बाद इसको इसके अंदर हमें रागी का आटा मिक्स कर देना है और गैस बंद कर देना है। अच्छे से मिक्स करना है इसको। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। 10 मिनट के बाद हमने देखा एकदम सॉफ्ट हो गया आटा। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करके वापस इसकी लोइयां बनाएंगे। लोइयां बना दिए हैं, तो अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा आटा लगाकर इसको बेलना है ताकि रोटी चिपके नहीं, और एकदम सॉफ्ट हाथों से इसको बेलना है। अब इसको हम पहले से गर्म किए हुए तवे पे, मैंने मिट्टी का तवा यूज़ किया है, आप कोई भी तवा यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर सेकना है। हल्का हल्का घी लगाना है। दोनों तरफ अच्छे से सेकना है, मीडियम फ्लेम पे सेकना है, और घी लगा के इसको दोनों साइड से अच्छे से सेकना है। देखिए, ऑलमोस्ट सारी रोटियां बनकर तैयार हैं। तो आप इसे दही, सब्जी या किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, और ये डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको रागी की रोटियां कैसी लगती हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।